तो अभी मेरा मेकअप प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड है एंड आई कैन लिटरली सी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं सो आई सॉ लाइक सो मैनी लिपस्टिक्स एंड ऑल्सो अभी नाइका की हॉट पिंक सेल्स स्टार्ट होने वाली है इनफैक्ट जब तक ये वीडियो जाएगा तब तक तो स्टार्ट हो चुकी होगी तो आपको इन सारे लिपस्टिक्स पे नाइका पे काफी अच्छे डिस्काउंट मिलने वाले हैं तो so, मैं आप लोगों के साथ अपनी टॉप टेन लिपस्टिक्स शेयर करना चाहती थी आई वॉज ऑल्सो गेटिंग डीएम्स फॉर लिपस्टिक रिकमेंडेशन एंड जब भी मैं स्टोरीज पोस्ट करती हूँ इधर उधर कहीं जाते टाइम तो आई गेट एन लॉर ऑफ डीएम आज क्योंकि मैंने कौन सा लिप शेड लगाया तो आज मैं आप लोग के साथ वो टेन लिप शेड शेयर करने वाली हूँ जो कि मैं यूजली वेयर करती हूँ एंड दिस इज बी लाइक अ वाइड वेराइटी बिकॉज मैंने सभी कैटेगरी के दो 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 शेड्स रखे हुए हैं ताकि यू गेट डिफरेंट वेराइटीज Uh, ताकि आप अपने फेवरेबल ओकेजन के अकॉर्डिंग या अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग आप शेड्स चुन पाओ बट मैंने मोस्टली शेड्स वही रखे हैं जो कि अपनी इंडियन स्किन टोन पे सूट करेगी यू नो द डस् ब्राउन स्किन टोन उस पर अच्छे लगेंगे ये सारे शेड्स इट इज गन अ रेंज फ्रॉम ब्राउन्स न्यूज बेरी शेड्स रेड लाइक आई हैव कवर्ड एवरी थिंग इन दिस वीडियो तो येस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी वेरी एंड बट इफ़ यू न्यू टू माई चैनल प्लीज Take out a moment and hit that red subscribe button and the notification bell right next to it so that every time I upload a new video, you get notified. Now, without any further blabbering, let's just dive right into the video. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यूट ब्राउन लिपस्टिक से तो सबसे पहले लिपस्टिक है मेरे पास मामा अर्थ सॉफ्ट मैट लॉन्ग स्टेल लिपस्टिक इन द शेड ज़ीरो वन मौका ब्राउन मैंने अभी अभी यही लिपस्टिक अप्लाई की है सो इट इज़ अ बुलेट लिपस्टिक वेरी वेरी कंफर्टेबल ऑन द लिप्स इस तरीके का इसका शेड है इट इज़ लाइक द परफेक्ट ब्राउन न्यूड फॉर इंडियन स्किन टोन लाइक ब्राउन स्किन के लिए ये बहुत ही अच्छा न्यूट शेड होने वाला है यू कैन सी इट लुक सो प्रिटी एंड नैचुरल ऑन माई लिप्स अगर मैं कभी भी नो मेकअप मेकअप लुक करती हूँ तो दिस इज वॉट आई वेयर। इन जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो ऑन रेगुलर बेसिस आई वेयर दिस लिपस्टिक एंड दिस वन इज द सॉफ्ट मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक एंड इट एक्चुअली गिवज यू दैट सॉफ्ट मैट फिनिश एंड इट लास्ट रियली लॉन्ग बट येस हाँ अगर मैं कुछ खा रही हूं तो फिर लिपस्टिक रब ऑफ हो जाती है बट बिकॉज ये एक बुलेट लिपस्टिक है तो इसको रीअप्लाई करने में तो ज्यादा प्रॉब्लम होता नहीं आई जस्ट री अप्लाई एंड एम गुड टू गो फॉर द अदर हाफ ऑफ द डे सो ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल लिपस्टिक है सो so, अगर आपको कुछ लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पहनना है सो यू वॉन्ट दैट कम्फर्ट ओवर लॉन्जिविटी यू मस्ज गो फॉर दिस लिपस्टिक एंड ये शेड तो अपने आप में बहुत ज्यादा प्यारा है आप लोग देख सकते हो इट जस्ट बैलेंस आउट द एंटायर लुक इन

टेन टॉप नॉच जिस लुक हाउ ब्यूटिफुली इट कॉम्प्लीमेंट्स माई स्किन टोन एंड आई रियली लव द फैक्ट कि ये ज़्यादा हैवी नहीं है एंड बिकॉज ये एक लिक्विड लिपस्टिक है तो इसकी लॉन्जिविटी ज़्यादा है बट येस अगर आप लोग कुछ ऑयली फूड खाते हो तो ये रिमूव हो जाती है बट अदर देन दैट इट स्टेज फॉर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम तो येस अगर आपको ऐसे किसी जगह जाना है वे यू वॉन्ट योर लिपस्टिक यू नो अप्लाइड वंस एंड देन यू वॉन्ट टू गेट अबाउट इट दिस इज दन यू हैव टू गो फॉर एंड ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल लिपस्टिक है एंड आई एम डेफिने चेक आउट अदर शेड फ्रॉम दिस कलेक्शन बट अदर शेड इज वन ऑफ माई फेवरेट न्यूट एवरी डे शेड दिस इज द थर्ड लिपस्टिक इसको मैंने अगेन ब्राउन न्यूट की कैटेगरी में रखा हुआ है दिस इज द मामा अर्थ फेदेलाइट लिक्विड मैट लिपस्टिक इन द शेड जीरो थ्री न्यू टी एंड दिस इज गन बी परफेक्ट न्यूड शेड फॉर ब्राउन स्किन टोन्स अभी मैंने क्योंकि मेकअप किया हुआ है एंड मेरी जो यू नो माउथ के राउंड पिगमेंटेशन है वो कंसीलर से कवर्ड है सो इट इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल ब्राउन ऑन मी एंड आई लव 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 दिस शेड सो वेरी मच सबसे पहले इसके फॉर्मुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा एज द नेम्स इज इज फेदर लाइट यू विल नॉट फील द लिप्स टिकॉन योर लिप्स एट ऑल एंड आईटी वेरी वेरी ब्यूटीफुलराउंड पिगमेंटेशन है तो इट जस्ट कॉम्प्लीमेंट्स माई स्किन टोन भी ब्यूटिफुलिस इज द शेड जो कि मैं कभी अगर मेकअप बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ एंड आई वॉन्ट टू स्टेप आउट आई जस्ट अपलाई लोड्स एंड लोड्स नो सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर And I applied this lipstick and I'm good to go. This is this has been my go-to lipstick since a very long time now. Since the launch, hui hai, tab se I've been wearing this lipstick almost every day. That is how much I love this lipstick. And uh, you definitely have to check this one out. It is going to be the perfect brown nude for every Indian skin tone. So this is the next lipstick. This is My Glam ki lipstick. Hai. My Glam Lit Creamy Matte Lipstick. And it is in the shade Pink Decory. I'm sure that this lipstick... के बारे में मैं पहले भी इस चैनल पर बात कर चुकी होंगी ओनली दिस मच इज लेफ्ट बाकी मैं इसे लिटरली खत्म कर चुकी हूँ आई लव दिस लिपस्टिक सो मच एंड अगर आप लोगों को पता होगा आई ग्रेविटेट टूवर्ड्स ब्राउन एंड न्यूज मोर पिंकि आई थिंक डोंट कॉम्प्लीमेंट माई स्किन दैट मच बट देन फाइंडिंग द राइट शेड हैज बीन ऑलवेज डिफिकल्टेन इट कम्स टू पिंक्स एंड दिस इज वन शेड दैट आई फील लुक्स प्रिटी ऑन मी एंड इस वाली लिपस्टिक को मैं विदाउट मेकअप भी लगा लेती हूँ एंड विद मेकअप ऑल्सो इट लुक लुक्स रियली नाइस इफ़ आई एम लाइक डूइंग मोनोक्रोम पिंक लुक तो ये लिपस्टिक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है एंड इसका पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छा है इट इज़ लाइक रियली वन स्वाइप पिगमेंट तो इट इज़ वेरी वेरी कम्फर्टेबल ऑन द लिप्स ऑल्सो बुलेट लिपस्टिक है क्रीमी मैट है इट इज़ नॉट सेट दैट मैट बट यस क्रीमी है काफ़ी ज़्यादा तो कम्फर्टेबल है एंड इट डज़ नॉट वेयर ऑफ दैट ईजीली बट देन ऑब्वियसली क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक तो ये नहीं है तो अगर आप कुछ खा रहे हो या फिर इफ़ यू यू नो लिख ऑफ तो ये आसानी से हट जाती है बट देन यू कैन कीप री अप्लाइंग इट एंड काफ़ी ज़्यादा ये मॉइस्चराइजिंग है तो मेरे लिप्स ड्राई फील नहीं करते इस परी लिपस्टिक को लगाने के बाद सो आई रियली लव द फॉर्म्यूलेन एंड दिस शेड ऑल्सो लुक्स रियली नाइस इन मी इनफैक्ट आई हैव यूज दिस लिपस्टिक इन सो मैनी ऑफ माई मेकअप लुक्स लाइक रियली आई हैव बीन यूजिंग दिस लिपस्टिक सिंस द पास्ट वन एंड हाफ ईयर एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस शेड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो इट इफ यू थिंक दिस शेड लुक्स नाइस ऑन मी और नॉट नेक्स्ट इज दिस शेड जो कि मैं यूजअली उतना ज्यादा नहीं पहनती हूँ लाइक यू मस्ट

काफ़ी ज्यादा सुंदर एकदम हॉट पिंक शेड है सो इफ यू वॉन्ट टू ट्राई अ शेड लाइक दिस डेफिनेटली चेक दिस वन आउट ये काफ़ी ज्यादा अफोर्डेबल भी है दिस इज द स्टेक वर्की की लिक्विड लिपस्टिक एंड इसका शेड नेम इज अमेजिंग इट इज number 11 smarty pants bossy lips i love the name this shade literally gives the bossy vibe i love this shade uh, whenever i wear any indian ethnic wear and go festival ke time pe, i apply this lipstick and it just uh, you know makes a statement like bold lips i just keep my eyes very subtle with this uh, lip shade and it is just अमेजिंग हल्की सी ये लिपस्टिक ड्राॅइंग लगती है बट यू नो अगर आप अच्छे से लिप बाम वगैरह लगा के इस लिपस्टिक को लगाओगे तो यू विल लव द फॉर्म्यूला लाइट वेट हैवी फील नहीं होती बट देन अगर आपने लिप बम पहले नहीं लगा कर रखा है तो ये थोड़ी सी ड्राॅइंग आपको फील हो सकती है एंड इसका एप्लीकेटर बहुत ही अच्छा है एक तो इट इज़ द लीप शेप ऐसा लीप शेप टाइप का एप्लीकेटर इसका है एंड काफी ज्यादा फ्लेक्सीबल है तो जब भी मैं इसके में लगाती हूँ तो बहुत ईजीली इस लिपस्टिक का एप्लीकेशन हो जाता है तो आई लव द एप्लीकेटर एंड द शेड इज वेल तो न्यूज ब्राउन एंड पिंक्स हो गए खत्मिंग ऑन टू द रेड सबसे पहले ये बहुत ही ज्यादा सटल रेड है इट इज द परफेक्ट ब्रिक रेड काइंड ऑफ शेड एकदम इन योर फेस रेड नहीं है दिस इज द शुगर की नथिंग एल्स मैटर लॉन्ग वेयर लिपस्टिक इन द शेड जीरो टू रेड रश एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट रेड कलर्स इफ आई डोंट वॉन्ट टू यू नो हैव दैट इन योर फेस काइन अ रेड सटल में रखना है बट देन आई वॉन्ट अ लिप शेड दैट स्टैंड आउट आई गो फॉर दिस लिपस्टिक अगर मैं कुछ ऐसे एथेनिक पहन रही हूँ तब तो आई ओबियसली वॉन्ट दैट पॉप ऑफ रेड कलर बट समटाइम्स ऐसा होता है कि लाइक फॉर्मली इफ आई एम गेटिंग रेडी एंड आई वॉन्ट पावर लिप का इन अचुएशन आई वेयर दिस रेड इंस्टेड ऑफ द पॉपिंग रेड कलर्स ताकि उतना ज़्यादा ओवर पावरिंग भी ना लगे बट येट makes the difference because you know it is a red shade but both the subtle brown tones and it has

परफेक्ट इसमें और भी शेड्स हैं मेरे पास बट दिस शेड इज माय एब्सोल्यूट फेवरेट ओके सो द नेक्स्ट लिपस्टिक दैट आई हैव फॉर यू इज दिस पॉपिंग रेड कलर बिकॉज ऑब्वियसली एवरी गर्ल नीड्स टू हैव दैट परफेक्ट शेड ऑफ रेड मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दिस विल बी द परफेक्ट शेड फॉर एवरीबॉडी बिकॉज सबके लाइकिंग्स अलग होते हैं बट दिस रेड शेड इज वन शेड जो कि बहुत सारे स्किन टोन्स पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड इट जस्ट कॉम्प्लीमेंट्स इंडियन स्किन टोन ब्यूटिफुली आप अगर फेयर हो तो भी आप पे अच्छी लगेगी अगर आप डार्क डस्ट की स्किन टोन हो तो भी आप पे अच्छी लगेगी एंड यू कैन इवन पेयर इट आप व ब्राउन लिप लाइनर फॉर दैट कोला लिप्स इट लुक्स अमेजिंग काफ़ी ज़्यादा सुंदर रेड शेड है एंड इस वाली लिपस्टिक को मैं बहुत सालों से यूज कर रही हूँ दिस इन फैक्ट यू कैन सी हाउ मच आई हैव यूज्ड इट इतनी ये बची हुई है अभी भी दिस इज द फेसेस कैनेडा की Ultime Pro Matte Lipstick, something like that. I don't remember the name of the range, but then the shade is 09 Bombshell Red. ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है इनफैक्ट इस वाली लिपस्टिक को एक बार मैं खो चुकी हूँ एंड देन आई री इट तो जो वो वाली थी वो आधी खत्म हो गई थी एंड देन आई री दिस उसमें से भी हम इतना यूज कर चुके हैं सो दिस इज़ वन ऑफ आर फेवरेट लिपस्टिक्स इन द हाउस हम लोग इसको काफ़ी ज़्यादा तो यूज करते हैं इट लुक्स वेरी वेरी प्रिटी यू कैन सी एंड इट इज़ वेरी कंफर्टेबल द बेस्ट पार्ट दिस लिपस्टिक इज़ इट इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड इट यू नो सेट्स मैट ऑन योर लिप्स तो ये लॉन्ग वेयरिंग है ऑब्वियसली इफ़ यू आर नॉट ईटिंग एनी तो ये लॉन्ग वेयरिंग है And it is super comfortable. You will not feel anything on your lips. It is that comfortable. And I just absolutely love the formula on this lipstick. And this shade is very Now, moving on to the berry shades. These are the kind of shades I not If you are that bold lip kind of girl, you are going to love these three shades. So, this is the first bold lip color. I not but I love the shade. Uh, so comfortable. कभी मैं ऐसे अगर बोल्ड लुक्स कर रही हूँ तो दैट इज वैन आई लाइक टू वेयर सच शेड ये है ग्लैम की लिथ लिप्स मैट लिपस्टिक इन द शेड एस एटीन डेट टू मी इट गिव्स दैट इंडियन टी वी सीरियल की वैम वाइब्स आई

kafi ekdam light se sheen deti hai and it looks very ब्यूटिफुल जैसे आजकल ट्रेंडी ग्लॉसी लिप्स चल रहे ना उसके लिए ये वाली रेंज परफेक्ट है आई हैव सो मैनी शेड्स फ्रॉम दिस रेंज बट दिस शेड इन पर्टिकुलर इज रियली रियली नाइस अगर आपको बोल्ड लिप शेड्स पसंद है इट इज़ दैट परफेक्ट ब्लेंड ऑफ वाइन एंड ब्राउन तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है लिपस्टिक बट इट इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग एट ऑल क्योंकि एक तो सैटिन मैट है काफ़ी ज़्यादा बटरी क्रीमी सा फॉर्मूला है इसका बहुत ही ज़्यादा एकदम ग्लाइड कर जाती है बट उसी तरीके से ये हट भी जाती है बहुत आसानी से तो जस्ट कैरी इट इन योर पर्स इफ यू आर वेरिंग दिस लिपस्टिक एंड यो गुड टू गो आप रीअप्लाई कर सकते हो बट इट इज़ वेरी वेरी मॉइस्चराइजिंग तो आपके लिप्स ड्राई बिल्कुल भी नहीं होने वाले the, you know, dry, हैं इट विल नॉट सेटल इन द यू नो ड्राई जो क्रैक्ड लाइन्स होती हैं लिप्स की सो द फॉर्म्यूला इज़ गुड नॉट लॉन्ग लास्टिंग एंड द शेड इज रियोली रियोली सो बात कर रहे थे बोल्ड लिप्स की तो ये वाला शेड तो मैं मिस ही नहीं कर सकती तो ये है प्लम की मैट इन हेवन लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड वन टू एट वेरी बेरी सबसे पहले इस लिक्विड के फॉमुलेशन सॉरी oh इस लिपस्टिक के फॉर्मूलेशन की बात करें तो इट इज़ द परफेक्ट लिपस्टिक द परफेक्ट लिक्विड लिपस्टिक लाइक इट इज़ सो कंफर्टेबल ऑन द लिप्स चिपचिप नहीं लगता है ड्राई हो जाती है काफ़ी अच्छे से मैट एकदम और ये ट्रांसफर प्रूफ नहीं है बिल्कुल भी एंड मैंने इस लिपस्टिक को लगा के लाइक नॉट दिस पर्टिकुलर शेड बट इस रेंज की लिपस्टिक को लगा के आई हैव ईटन सो मच एंड येट द लिपस्टिक्स रिमेन इन और इसको आप अगर रीअप्लाई भी करोगे तो उतना ज़्यादा यू नो अनकंफर्टेबल नहीं लगता है उतना ज़्यादा क्रम्बल नहीं करती है सो आई लव दिस रेंज तो सबसे पहले तो लाइक दिस रेंज ओनली इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स एंड देन कमिंग टू दिस शेड जस्ट लुक एट हाउ प्रिटी दिस शेड लुक्स अभी ये देखो पूरी एकदम मैट ड्राई हो गई है and it looks

Always, like I have always been obsessed with shades like this, so I had to keep it for the last. This one is the Mama Earth Soft Matte Long Stay Lipstick in the shade 03 Grape Wine, such a stunning color! Like this shade is perfection for me. It looks stunning and it feels comfortable. I have been obsessed with this shade and how I have like shades, wine shades, when I makeup चाहे मैं मेकअप ना करूँ दिस शेड लुक्स ब्यूटिफुल एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये सारे इंडियन स्किन टोन्स पे बहुत अच्छा लगने वाला है इट इज़ दैट शेड एंड आई एप्सिल्यूटली लव वेयरिंग दिस लिपस्टिक चाहे वेस्टर्न आउटफिट हो इंडियन आउटफिट हो मैंने मेकअप लगाया हो या ना लगाया हो आई लव टू वेयर दिस कलर जब मैंने मेकअप नहीं लगाया होता ना ये लिपस्टिक तब भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है इनफैक्ट अगर मैं ऑफिस भी जा रही हूँ तो आई जस्ट डैब इट इतना ज़्यादा मैं पिगमेंटेड स्वाच नहीं करती हूँ इसको बट हल्का हल्का डैप करके इट लुक्स ब्यूटिफुल फॉर एन एवरी डे ऑफिस पर्पज इज़ वेल दिस वन इज़ द परफेक्ट लिपस्टिक तो आई रियोली रियोली लव दिस शेड अगर आप लोगों को भी ऐसे वाइन शेड्स बहुत ज़्यादा पसंद है सो डेफिनेटली चेक दिस ग्रे पॉइंट शेड आउट इनफैक्ट अगर आप इसको ना सिर्फ सेंटर्स पर लगा के बाहर एक क्लियर लिप बाम या लिप ग्लॉस लगा लोगे ना तो यू विल गेट दैट ब्यूटिफुल कोरियन लिप्स वाला वाइप सो दिस शेड इज़ वेरी वेरी ब्यूटी ज दैट ट्रिटी एंड आई लव इथ सो मच सो येस विद दिस हमारी सारी दस लिपस्टिक्स कंप्लीट हो गई हैं आई होप आप लोगों को ये शेड्स पसंद आए और नीचे मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना कि इन दस लिपस्टिक्स में से आपका फेवरेट शेड कौन सा था एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है एंड आप चाहते हो कि मैं इसके और पार्ट्स बनाऊँ ऑल मैं इसके शायद दो तीन पार्ट्स पहले भी बना चुकी हूँ सो चेक दोज आउट एंड इफ यू वॉन्ट एनी अदर लिपस्टिक रिकमेंडेशन डू कमेंट डाउन बिलो हिट द लाइक बटन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैव ऑलरेडी एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल राइट नेक्स्ट विथ सो दैट एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो यू गेट नोटिफाइड नाउ आई विल सी यू सुपर सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल दिन स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाय बाय